वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ मास्टर। आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं रैशनलाइजेशन से, राइट? तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री, और y की वैल्यू भी गिवन है रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री। एंड हमसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो इफ यू लाइक। इफ यू डोंट लाइक देन एंजॉय एंड सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? तो करते हैं बच्चों। देखो क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स को रैशनलाइज करके हमको इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि ये सिंपल फॉर्मेशन में आ जाए। ऐसे y को रैशनलाइज करेंगे, देन वी विल स्क्वायर इट एंड इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है? तो रैशनलाइजेशन में x का रैशनलाइजेशन देखो, x की वैल्यू लिखी, रैशनलाइजेशन यानी डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन मैंने पहले बता रखा आपको क्या होता है, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी देखो रूट फाइव माइनस रूट थ्री है यहाँ पर, इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, प्लस लेना है और लिख के रूट फाइव प्लस रूट थ्री लिखना है, उसको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है और सेम से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर। अब आपको पता है कि जब दो सिमिलर नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो हमने इन रूट फाइव प्लस रूट थ्री एंड रूट फाइव प्लस रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर लिख, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज़ किया। ऐसे ही व्हेन टू नंबर्स विथ अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं, टू नंबर, ये देखो माइनस है रूट थ्री रूट फाइव माइनस रूट थ्री रूट फाइव प्लस रूट थ्री, यानी सेम नंबर विथ अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना? तो उनका स्क्वायर हो गया। देखो रूट फाइव का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसको ओपन कर दो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेम थिंग, है ना? तो यहाँ ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर, किसी रूट का स्क्वायर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ होता है ना, किसी नंबर इन रूट, एनी नंबर इन रूट का स्क्वायर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। तो क्या रूट फाइव का स्क्वायर यानी फाइव आएगा, फाइव लिख दें, और प्लस टू एक्स क्या है, रूट फाइव, तो रूट फाइव इंटू रूट थ्री, वाई क्या है, रूट थ्री, और प्लस वाई का स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नंबर इटसेल्फ थ्री, यानी नंबर जिसका रूट है उसका स्क्वायर लेने पे, स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर लेने पे नंबर इटसेल्फ। नीचे क्या आ जाएगा, देखो रूट फाइव का स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर नंबर इटसेल्फ यानी फाइव, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर नंबर इटसेल्फ यानी थ्री। अब ये बच्चों कितना आता है चेक करें, देखो ये कितना आ जाएगा, फाइव प्लस थ्री कितना हो जाता है, एट, और यहाँ पर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं यानी रूट फाइव इंटू रूट थ्री, ये सिंपल, बस रूट के अंदर जैसे हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव थ्री जो फिफ्टीन, ये आएगा आंसर, ठीक है? तो वी विल मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को प्लस, एंड ये क्या हो गया हमारे पास, प्लस टू रूट फिफ्टीन, और नीचे फाइव माइनस थ्री कितना आ गया, फाइव माइनस थ्री आ गया टू। अब बच्चों देखो यहाँ पर कॉमन है, व्हाट इज कॉमन, टू इज कॉमन, तो क्या आ जाएगा, टू कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा फोर प्लस रूट फिफ्टीन, और यहाँ पर आ गया टू, टू से टू कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, x इज इक्वल टू, वी गॉट x इज इक्वल टू फोर प्लस रूट फिफ्टीन, फोर प्लस रूट फिफ्टीन आ गया, है ना? तो हम इसको लिख देते हैं, x की वैल्यू क्या आई, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको इरेज नोट डाउन कर लीजिए, फिर इरेज करके हम y को भी सिमिलरली वी विल रैशनलाइज एंड देन वी विल पुट द वैल्यू। तो y x की वैल्यू आ गई हमारे पास रैशनलाइजेशन करने पर, इसको इरेज कर दूँ, तो हमारे पास x की वैल्यू आई आफ्टर रैशनलाइजेशन क्या आ गई, फोर, x की वैल्यू आई हमारे पास फोर, फोर प्लस रूट
अब वाई को रैशनलाइज करते हैं. देखो वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री. रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे इसको, इसका अपोजिट डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेके सेम नंबर को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. सेम नंबर क्या है रूट फाइव, इसका अपोजिट साइन क्या है माइनस रूट थ्री. अब इसी चीज को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें. देखो सिमिलर नंबर, जब दो सिमिलर नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका होल स्क्वायर हो जाता है रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर. और नीचे वाले सेम नंबर विथ अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो कौन सा रूल लगेगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस तो स्क्वायर स्क्वायर. यानी पहले नंबर का स्क्वायर कीजिए यानी रूट फाइव का स्क्वायर नंबर इट्सेल्फ यानी फाइव माइनस माइनस साइन है माइनस लिखेंगे रूट थ्री का स्क्वायर नंबर इट्सेल्फ. इसको ओपन कीजिए एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. अगर माइनस का होगा बच्चों फार्मूला तो माइनस में क्या फार्मूला हो जाता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिए. पहले नंबर का स्क्वायर यानी रूट फाइव का स्क्वायर नंबर इट्सेल्फ फाइव माइनस टू इंटू बोथ द नंबर यानी रूट फिफ्टीन अभी बताया था आपको एंड देन रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाता है थ्री नंबर इट्सेल्फ और नीचे कितना आया टू. ओके अब क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ चेक इट व्हाट इट इज गिविंग अस, क्या दे रहा है हमको ये, सॉरी ये प्लस है प्लस का साइन दिस इज आल्सो प्लस. ओके तो फार्मूला थोड़ा गलत लिख दिया था सही हो गया है ना. तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस ऐड कीजिए, ऐड करने पर क्या हो जाएगा फाइव प्लस थ्री एट माइनस टू रूट फिफ्टीन. नाउ यू टेक कॉमन टू, टू कॉमन है इसमें, टू कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा फोर माइनस रूट फिफ्टीन और यह है रूट फिफ्टीन दिस इज फिफ्टीन बच्चों इसको इरेज कर देते हैं अच्छे से है ना. तो ये आ गया फिफ्टीन रूट फिफ्टीन और डिवाइडेड बाई टू तो ये कैंसिल. तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई बच्चों, y इज इक्वल टू आ गया फोर माइनस रूट फिफ्टीन. अब हमारे पास दोनों की वैल्यू है यानी x और y बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गए. अब देखो एक्स स्क्वायर करना है वाई स्क्वायर करना है आंसर आ जाएगा राइट कर दें. देखो इरेज करूँ प्लीज नोट इट डाउन. देखो मैथ को बिल्कुल सिक्वेंस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो इरेज कर दें इसको बच्चों, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो वाले में फ़ायदा यही है कि दोबारा से आप रिपीट करके देख सकते हैं. ओके तो करें इसको, देखो क्या हो जाएगा. अब हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर है ना, थोड़ा सा इधर और इधर कर देते हैं सो दैट आपको समझ में आए. यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के हमें वैल्यू निकालनी है यानी एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है फोर प्लस रूट फिफ्टीन यानी फोर प्लस रूट फिफ्टीन का होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब फोर प्लस रूट फिफ्टीन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब फोर माइनस अंडर रूट फिफ्टीन का होल स्क्वायर. ओपन इट, इसको ओपन करते हैं. देखो फोर का स्क्वायर क्या होगा सिक्सटीन राइट, फिर प्लस क्या होता है टू एक्स वाई यानी टू इंटू फोर इंटू रूट फिफ्टीन. ओके फिर वाई का स्क्वायर मतलब प्लस फिफ्टीन, रूट में कोई नंबर है उसका स्क्वायर करने पे रूट नंबर इटसेल्फ आता है प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू इंटू फोर इंटू रूट फिफ्टीन. ओके और इसका स्क्वायर हो जाएगा फिफ्टीन. सेम जो जो ऐड हो रहा है उनको ऐड करते हैं, देखो 16, 15, 16 एंड 15 और ये देखो प्लस टू इंटू प्लस टू इंटू फोर इंटू फिफ्टीन राइट. और यहाँ भी देखो माइनस टू इंटू फोर इंटू फिफ्टीन अपोजिट साइन सेम नंबर कैंसिल कैंसिल कर दिया ठीक है. अब क्या होगा देखो ऐड कर दो जो बचे हुए नंबर क्या है रिमेनिंग नंबर 16, 15, 16, 15, 15 और 15, 30, 16 टू जा 32, 30 प्लस 32 कितना आ गया 32 प्लस 30 हाउ मच 62 ठीक है. नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए राइट. तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चंस.
और कब तक करेंगे? लास्ट पॉइंट, जब तक कि इसके मास्टर ना बन जाए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, मैथ कीजिए, फिट रहिए घर पे, ओके, फिट रहिए एंड मैथ कीजिए। सी यू गाइस, बाय।